आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। अमृता अस्पताल के रूप में हम सभी को आशीर्वाद दे रही मां अमृतानंदमयी जी को मैं प्रणाम करता हूं। स्वामी आत्मा स्वरूपानंदपुरी जी, हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी कृष्णपाल जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी, अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों, अभी कुछ दिन पहले ही देश ने एक नई ऊर्जा के साथ आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। हमारे इस अमृत काल में देश के सामूहिक प्रयास प्रतिष्ठित हो रहे हैं, देश के सामूहिक विचार जागृत हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि अमृत काल की इस प्रथम बेला में मां अमृतानंदमयी के आशीर्वाद का अमृत भी देश को मिल रहा है। अमृता अस्पताल के रूप में फरीदाबाद में आरोग्य का इतना बड़ा संस्थान प्रतिष्ठित हो रहा है। ये अस्पताल बिल्डिंग के हिसाब से, टेक्नोलॉजी से जितना आधुनिक है, सेवा, संवेदना और आध्यात्मिक चेतना के हिसाब से भी उतना ही अलौकिक है। आधुनिकता और आध्यात्मिकता, इसका यह समागम गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की सेवा का उनके लिए सुलभ प्रभावी इलाज का माध्यम बनेगा। मैं इस अभिनव कार्य के लिए, सेवा के इतने बड़े महायज्ञ के लिए पूज्य अम्मा का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। स्नेहतिल्ले कारुण्यतिल्ले सेवनतिल्ले त्यागतिल्ले पर्यायमाण अम्मा, माता अमृतानंदमयी देवी भारतिंडे से महत्ताय आध्यात्मिक परंपरा तिंडे नेरवकाशियाण। हमारे यहां कहा गया है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम्। इन महाउपनिषद आशयमण अम्मयुड़े जीविता संदेशम, अर्थात अम्मा प्रेम, करुणा, सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति है। वो भारत की आध्यात्मिक परंपरा की वाहक है। अम्मा का जीवन संदेश हमें महाउपनिषदों में मिलता है। मैं मठ से जुड़े संतजनों को
ट्रस्ट से जुड़े सभी महानुभावों को, सभी डॉक्टर्स और दूसरे कर्मचारी बंधु भगिनी को भी आज इस पवित्र अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम बार बार सुनते आए हैं, न त्वम हम काम ये राज्यम, न च स्वर्ग सुखानी च, काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। अर्थात न हमें राज्य की कामना है, न स्वर्ग के सुख की इच्छा है, हमारी कामना है कि हमें बस दुखियों की, रोगियों की पीड़ा दूर करने का सौभाग्य मिलता रहे। जिस समाज का विचार ऐसा हो, जिसका संस्कार ऐसा हो, वहां सेवा और चिकित्सा समाज की चेतना ही बन जाती है। इसलिए भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज एक सेवा है, आरोग्य एक दान है, जहां आरोग्य आध्यात्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे यहां आयुर्विज्ञान एक वेद है। हमने हमारी मेडिकल साइंस को भी आयुर्वेद का नाम दिया है। हमने आयुर्वेद के सबसे महान विद्वानों को, सबसे महान वैज्ञानिकों को ऋषि और महर्षि का दर्जा दिया, उनमें अपनी पारमार्थिक आस्था व्यक्त की। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जिनका ज्ञान और स्थान आज भारतीय मानस में अमर हो चुका है। भाई और बहनों, भारत ने अपने इस संस्कार और सोच को सदियों की गुलामी और अंधकार में भी कहीं कभी लुप्त नहीं होने दिया, उसे सहज करके रखा। आज देश में हमारी वो आध्यात्मिक सामर्थ्य एक बार फिर सशक्त हो रहा, हमारे आदर्शों की ऊर्जा एक बार फिर बलवती हो रही है। पूज्य अम्मा भारत के इस पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण वाहक के रूप में देश और दुनिया अनुभव कर रहा है। उनके संकल्प और प्रकल्प सेवा के इतने विशाल अधिष्ठानों के रूप में आज हमारे सामने है। समाज जीवन से जुड़े ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं, पूज्य अम्मा का वात्सल्य, उनकी करुणा हमें हर जगह दिखाई पड़ती है। उनका मठ आज हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है, लाखों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के जरिए सशक्त कर रहा है। आपने स्वच्छ भारत अभियान में भी देश के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। स्वच्छ भारत कोष में आपके द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के कारण गंगा किनारे बसे उस इलाकों में काफी काम हुआ। इससे नमामि गंगे अभियान को भी काफी मदद मिली। पूज्य अम्मा, उनके प्रति पूरे विश्व का
श्रद्धाभाव है, लेकिन मैं एक भाग्यवान व्यक्ति हूं, पिछले कितने ही दशकों से पूज्य अम्मा का स्नेह, पूज्य अम्मा का आशीर्वाद मुझे अविरत मिलता रहा है। मैंने उनके सरल मन और मातृभूमि के प्रति विशाल विजन को महसूस किया है, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि जिस देश में ऐसी उदार और समर्पित आध्यात्मिक सत्ता हो, उसका उत्कर्ष और उत्थान सुनिश्चित है। साथियों, हमारे धार्मिक और सामाजिक संस्थानों द्वारा शिक्षा, चिकित्सा से जुड़ी जिम्मेदारियों के निर्वहन की यह व्यवस्था एक तरह से पुराने समय का पीपीपी मॉडल ही है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो कहते ही है, लेकिन मैं इसे परस्पर प्रयास के तौर पर भी देखता हूं। राज्य अपने स्तर से व्यवस्था खड़ी करते थे, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के निर्माण की मैं भूमिका निभाते थे, लेकिन साथ ही धार्मिक संस्थान भी इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र होते थे। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ।